बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के पुराने बैरियर के समीप एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने हत्या के बाद पति के साथ लूट की झूठी साजिश रचकर अपराध से बचने के लिए पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पुलिस की जांच में मृतक की पत्नी और भाई का साजिश का पर्दाफाश हो गया। दरअसल देवर ने भाभी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पहले दुर्गाबाई ने अपने पति को एक ढाबे पर जमकर शराब पिलाई। इसके बाद अपने देवर के साथ महिला ने रस्सी से अपने पति का गला घोट दिया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि पति पत्नी साडू भाई के घर से 50,000 की राशि लेकर निकले थे। पत्नी ने हत्या के बाद डायल 100 को फोन कर बुलाया और लूट की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। मौके पर सीएसपी गौरव पाटिल और शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल सिंह पवार को रवाना किया। बुरहानपुर से गोपाल देवघर की रिपोर्ट। कल रात को 10:30 बजे के आसपास डायल 100 पे एक इवेंट आई थी, जिसमें ये जानकारी प्रथम दृष्टा मिली थी कि किसी महिला के साथ में लूट की घटना भी हुई और उसके पति को भी लेके गए हैं। इस तरह की सूचना पे पुलिस, बहुत गंभीर किस्म की सूचना थी, त्वरित रूप से एक्टिव होकर सीएसपी थाना प्रभारी और पूरा पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा था आरटीओ बैरियर के आगे और घटना को वेरीफाई किया। महिला से भी बातचीत की, घटना स्थल को देखा, जो तो मोटरसाइकिल वगैरह ले जाना बता रहे थे स्पॉट को देखा, सर्चिंग की और जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक था जिनके साथ हत्या हुई थी, सिद्धू पिता रामा, ये लाल पड़ाव का रहने वाला था, अपनी पत्नी के साथ शाहपुर तरफ से निकला था और अपने साडू भाई के यहाँ से पैसे लेके निकला था। किंतु जो घटनाक्रम में ये रहता है कि सिद्धू की जो हत्या है उसकी पत्नी दुर्गा उर्फ भागाबाई और उसके देवर ईश्वर है, इन दोनों ने मिलके की है। कहीं ना कहीं ये घटना अवैध संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए ये घटना घटित की है और रस्सी से गला घोट के घटना घटित की है। संपूर्ण जब घटना में पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और बाकी की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंततः यही है कि अवैध संबंधों के चलते सिद्धू की हत्या ईश्वर और दुर्गा के द्वारा की गई। दोनों हिरासत में है और बाकी की अगली कार्रवाई जारी।